अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आप अपने इकामे की एक्सपायरी डेट चेक करना चाहते हैं तो वो आप आज की इस वीडियो को ला सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इकामे की तमाम मालूमात कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में प्योर ओरिजिनल तरीकाकार होगा जिसके जरिए आप अपने इकामे की एक्सपायरी डेट वगैरह या फिर अगर कोई मजीद मालूमात, जैसे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका या फिर आपके किसी दोस्त का हुरूब लगा या नहीं लगा, तो वो सब कुछ आप सिर्फ एक ही वेबसाइट एक ही एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो के नीचे रेड करके सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। उससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी अब बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि पहले जो होता था, जो कि पुराना तरीका था, उसके यानी कि उस हिसाब से आप अपना हुरूब वगैरह या फिर आप अपने इकामे की एक्सपायरी डेट गूगल पर जब आप सर्च करते थे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट मिल जाती थी, तो वहां पर आपने अपना इकामा नंबर इंटर करना होता था तो आपको आपकी तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। लेकिन अब ये पुराना तरीका खत्म हो चुका है, अब इसके लिए आपको अफशर अकाउंट की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने इकामे की मालूमात वगैरह हासिल करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास आपका खुद का अफशर अकाउंट नहीं बना तो आप इस सूरत में अपने किसी दोस्त का या फिर किसी करीबी बंदे के अफशर अकाउंट के जरिए आप अपना इकामा वगैरह चेक कर सकते हैं, आप अपने इकामे की तमाम मालूमात ले सकते हैं। अगर आपका वो दोस्त या फिर वो बंदा कहे कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता है, ठीक है। उनकी अगर आप एप्लीकेशन यूज करते हैं अफशर अकाउंट की तो वहां पर एक ऑप्शन होता है, ठीक है, रीचेक इकामा, तो वहां पर आप किसी भी दूसरे बंदे का इकामा चेक कर सकते हैं। उसमें यानी कि कोई मसला नहीं होगा, ना उस बंदे को मसला होगा जिसका वो अफशर अकाउंट है और ना ही आपको मसला होगा, ठीक है। तो आप किसी भी दूसरे बंदे के अफशर अकाउंट के जरिए आप अपने इकामे की तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। बाकी यार इसके अलावा और कोई तरीका नहीं, अगर इसके अलावा कोई और तरीका होता तो उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताता। बाकी अफशर अकाउंट की जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप अपने इकामा वगैरह चेक कर सकते हैं अगर आपका अफशर अकाउंट वगैरह बना हुआ है। तो ये आज की ये वीडियो इतनी थी, बाकी यार उदास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका अफशर अकाउंट नहीं बना तो आप जाकर ये बना सकते हैं, इसमें आपको कोई चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा सऊदी गवर्नमेंट को। तो आज की ये वीडियो इतनी थी, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाए। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।